بعد من بسم الرحمن رب नहमदू वन आल रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ब्लिमिनशैतरजीम बिसमिल्लमरीम रबली सदरी वसिल अमरी वाहिल़त अबिलसानिफ़ाकली علما रब्आलम علما हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो टन टू तो अल्लाह के सारे लेक्चर्स ले रहे हैं मैं थोड़ा सा फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कैसा चल रहा है हमारा सेशन और क्या फ़ीडबैक है आप लोगों का आप कमेंट कर सकते हैं हमें थोड़ा ईमान ताजा हुआ आप लोगों का लेक्चर्स वगैरह सुन के रमजान में मजा आया चलें जी रब्बि सदरी वस्सली अमरी व अहमदतम बिलिसानी यफहू कौली रब्बि जनी इल्मा रब्बि जनी इल्मा रब़़न्मा हाफिज उस्मान अहमद कह रहे हैं बहुत खूब अरसलान भाई बहुत मज़ा आया जजाकल्ला खैर हाफ अस्मान भाई जजाकल्ल खैर अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह आपको सलामत रखे आज का जो टॉपिक है जन्नत का रास्ता देखिए शरीयत में अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ भी रखी हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर सख्त आजमाइशें भी रखी हैं यानी कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वलनकुम बिश मिनल ख़ौफ़ वलजुह वनक मिल्वाल वफस वा कि इसमें बलाएँ हैं परेशानियाँ हैं भूख के साथ अजमाता है अल्लाह ताला जो हमारे करीब होते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं हमारे अजीज़ होते हैं कभी कभी वो हमसे बिछड़ जाते हैं ये एक आजमायश है कभी कभी हमारे कम्फ़र्ट जोन जो होते हैं हमारी रिसोर्स कम पड़ जाती हैं हमारे कम्फ़र्ट जोनस ख़राब हो जाते हैं अल्ल तशें रखी हैं लेकिन उसके बरअक्स अल्लाह ताली ने हमारे एक इम्तिहान में भी डाला है और वो एक ऐसा इम्तिहान है दुनिया के इम्तिहान है वमल हयात दुनिया मताउल गुरूर दुनिया की ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ एक गुरूर है वो सिर्फ एक धोखा है और यही हमारा इम्तिहान है कि हम इसको एज अ ट्रैवलर हम इसको कंसिडर करें कि हम एक मुसाफिर हैं हम आए हैं एक, एक जगह पर है मुसाफिर मुसाफिर का, का काम क्या होता है वो अपनी असल जगह की तरफ दोबारा लौटता है सफर से दोबारा लौटता है जब तक वो सफर में होता है वो मुसाफिर होता है तो अभी हम मुसाफिर हैं इस दुनिया के और हमें अपना सफर पूरा करके हमने असल की तरफ लौटना है जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है तो जन्नत तक पहुंचने का रास्ता वो ये दुनिया ही डिसाइड करेगी कि वो कौन सा रास्ता है जो जन्नत तक लेकर जाएगा और वो कौन सा रास्ता है जो उसको जहन्नुम में ले जाएगा और जन और इसी सफ़र को गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ दुश्मनियाँ हमारे साथ जो लगी हुई हैं जैसे शैतान कहें इबलीस कहें जिन्नात कहें वसवसे वहें जो भी कहें वो हमारे साथ जुड़ी हुई जो हमें हर वक्त बहका रही हैं अल्लाह ताला, ताला कुरान में फरमाता है अशैतवान यादकफ़्र या मरुकफाशा कि शैतान तो तुम्हें फहाशी का हुक्म देता है तुम्हें तो वो डराता है कि तुम भूखे मर जाओगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और तुम्हें जो है ना वो तुम्हारी शाहवाद के साथ जो है ना वो खेलता है तुम्हें जो है ना बेहयाई की तरफ लेकर जाता है ताकि तुम अल्लाह से दूर हो जाओ कुरान से दूर हो जाओ और अपने मकसद से हट जाओ और वो जो जन्नत का रास्ता है उससे तुम भटक जाओ और तुम जहन्नुम के रास्ते की तरफ चल पड़ो तुम बेहयाई में पड़ जाओ तुम जिना में पड़ जाओ तुम फहाशी में पड़ जाओ तुम जबान से गुनाह करते चले जाओ लेकिन इसी के बरक्स जब इतनी सख्त दुश्मनी है और एक दुश्मन हमारा नफ्स है जो हमें हर वक्त कभी कभी वो हमें शहावत की तरफ झुका देता है हमारी ख्वाहिशों की तरफ झुका देता है हम नमाज़ें छोड़ देते हैं अपनी ख्वाहिशों की वजह से हम हलाल कमाई छोड़ देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कमाने के चक्कर में भाई ठीक है अगर ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं आई छोटी गाड़ी ले लें लेकिन हलाल शैतान क्या कहता है कि तुमने जब नफ्स क्या कहते हैं जब अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शैतान भी और नफ्स भी तो हराम कमा लो थोड़े से से क्या होता है यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को भटका देती हैं सीधे रास्ते से इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक दुआ हमें सिखाई है कि रब्बना ला लातज़ क्लू बाद इज हद तना ए हमारे रब एक बार जब हम हिदायत पर आ दें तो उसके बाद हमारे दिलों को ना फिरना लातज़ क़लू ज़ैग़ ना करना हमारे दिलों में हमारे दिल दोबारा से गुनाह की तरफ ना चले वहब लना बिला मिल्ल रहमा बहरल आगे आए चलती रही तो ये उसके बरक्स अल्लाह ताला ने जब इतनी सख्तियाँ रखी हैं तो कुरान और सुन्नत ने शरीयत ने हमारे लिए बहुत आसानी भी रखी है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जन्नत को इना नटछल बयान कर दिया कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे अगर तुम ये छोटा सा काम कर लोगे तो फिर तुम जन्नत में चले जाओगे कोई इतना बड़ा किला फतह करने की ज़रूरत नहीं है बस ये छोटा सा काम कर लो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं लेकिन ये तमाम चीजें उसके बाद हैं जब बंदा अपने फराइज को पूरा करता है अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला तहन वला तहजनु गम और मायूस ना हो गम ना करो मायूस भी ना हो वह अनुमला अल्लाह ताला तुम्हें ही फला तुम्य ah. दे देगा तुम्हें ही ऊपर ले आएगा बल्कि सबके ऊपर ले आएगा अल्लाह ताला तुम्हें ही बुलंद कर देगा इन तुम शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अल्लाह के बताए हुए डूज एंड डू जो अल्लाह की ऑब्लिगेशन है अगर आप उसको फॉलो करेंगे फराइज को फॉलो करेंगे वेरी सिंपल अल्लाह आपको फता दे देगा अल्लाह आपको जन्नतों का मालिक बना देगा अल्लाह तला आपके लिए नेमतें अता फरमा देगा तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अल्लाह के हकूक के साथ है कि डायरेक्ट आप अल्लाह के लिए एक छोटा सा अमल ये कर दें एक दुआ पढ़ लें तो अल्लाह तला आपको जन्नत दे देगा और कुछ चीज़ों का ताल्लुक जन्नत में जाने का अल्लाह के बंदों के साथ है इंसानियत के साथ है अखलाक के साथ है हुकूक व इबाद के साथ है अगर आप वो कर देंगे तो फिर आप जन्नत में चले जाएंगे लेकिन ये सब सेकेंडरी है प्राइमरी ये था कि आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करनी है ठीक है दूसरा आपने नमाज पढ़नी है पाँच वक्त की नमाज़ें जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ की हैं क्योंकि दीन की बुनियाद है तीसरा आपने रोज़े भी रखने हैं सारे के सारे रोज़े रखने अगर छुट गए हैं तो उसकी कज़ा करें रोज़े पूरे रखें क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं इसके बारे में सवाल होगा हदीस में आता है एक रोज़ेदार के लिए दो खुशखबरियाँ एक खुशखबरी तब है जब वो रोज़ा खोलता है जब वो रोज़ा खोलता है अवतार करता है उसको खुशी मिलती है और एक खुशखबरी तब है जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा तो रोजा रखें हज करें अगर, अगर अल्लाह ने आपको इस्त दी तो ये फ़राइज पूरे करें उसके बाद जो उसमें कमी कोताही है देखें उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जन्नत में जाने का बहुत ही आसान सा तरीका अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्हसम फरमाते हैं मई अजमली माबिन वामाबाइन रिजल अजमन जन्ना अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमा रहे हैं मुझे गारंटी दे दो तुम मुझे अगर तुम दो चीज़ों की गारंटी दे दोगे दो, दो चीज़ें सिर्फ दो चीज़ें मुझे गारंटी दे दो कि इन दो चीज़ों की तुम इनके साथ कभी भी खयानत नहीं करोगे दो चीज़ें मेरी सिर्फ दो चीज़ों में बात मान लो मेरे साथ वादा कर लो कि तुम इन दो चीज़ों का ख्याल रखोगे पहली जबान और दूसरी इंसान की शर्मगा जबान का ताल्लुक होता है इंसान की कॉल कॉल से इंसान जो भी बात करता है जो भी अपनी जबान से अल्फाज निकालता है और कुछ ने बाज ने कहा कि मुंह से इससे मुराद मुंह भी है कि जो वो खाता है कहीं वो हराम ना खा ले जबान जो वो लोगों को बुरा भला बोलता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपनी जबान पर काबू रखने की मुझे गारंटी दे दो गारंटी दे दो कि तुम अपने मुंह की अपनी जबान कर, तुम लिहाज रखोगे अल्लाह से डरते हुए इसको, इसको इस्तेमाल करोगे कुरान में देखें अल्लाह फरमाता है यादी आमनु ला खर मिन कौमिन ए ईमान वालो ईमान वालों की बात चल रही है मेरे और आपकी बात चल रही है हम ईमान वाले हैं अल्लाह तमी से मुखातिब जो गुजर चुके उनका चैप्टर क्लोज अब ये जो कुरान के आते दिन हमें सबक सीते हैं वो हमारे लिए हैं ला खर कौमिन कौमिन असा यकून खेरमिन अल्लाह तला कह रहा है एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया करो लोगों का मजाक नहीं उड़ाया करो हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नजदीक बेहतर हो कि आप छोटा सा भी मजाक मार्केट में हो स्कूल में हो कॉलेज में हो होटीट्यूट्स इंस्ट्यू, में हो घर में हो दोस्तों में हो कहीं पर भी हो मजाक नहीं उड़ाया करो ये तुम किसी का आप मजाक बनाना शुरू कर दें पांच लोगों के बीच में उसको आप बुली करना स्टार्ट कर दें आप उसके जो है ना वो टांग खींचना शुरू कर दें आप उसका मजाक बनाना शुरू कर दें अगर उसके अंदर कोई कमी रह गई है किसी को आप दुबला पतला बोलना शुरू कर दें किसी को आप मोटा बोलना शुरू कर दें मजाक ना उड़ाएं नसीहत करनी है, अकेले में करें बात करनी है, अकेले में करें लेकिन आप किसी का मजाक न उड़ें लाएसका कौम कौम न मजाक किससे उड़ता है जबान से उड़ता है जबान ये जबान होती है जिससे इंसान मजाक उड़ाता है ये जुमले होते हैं जो इंसान के दिल के अंदर तकली उसके लिए नफरत का बायस बनते हैं ज़बान से निकला हुआ लफ्ज कभी भी वापस नहीं होता ज़बान का जख्म ज्यादा गहरा होता है तलवार के जख्म से तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जख... जबान का जख्म कभी नहीं भरता तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जबान लास्कर खरम और औरतों के बारे में भी इसी तरह फरमाए कि औरतें भी आपस में एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं खैरमिन वल मिजुन वला तना बजु बल्जाम तराशी नहीं क्या करो आ, आयत में ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया करो कि यही है इसी ने किया मैंने देखा नहीं लेकिन वाकई यही है यही है इसने मेरी गमत करी है यही है इसने मेरी मेरी बुराई करी है देखना जब तुम तो इसको पास जाओगे तो वो मेरे बारे में ऐसी ही बात करेगा इस तरीके के इल्ज़ाम लगाया करें किसी पर तुहमा देना लगाया करें वला वला तनाबिल्कॉब और उल्टे सीधे नामों से ना पुकारा करो किसी को आप उल्टे सीधे नाम देना शुरू कर दें किसी को आप बोलते हैं किसी की आप रंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दें किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें किसी के जबान कोई अगर हकलाता है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें अगर किसी को स्टैमर है तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें अगर किसी की हाइट छोटी रह गई है तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें अगर किसी की भवें डार्क हो गई हैं तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें अगर कोई सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें अगर किसी के जिसम के अंदर कोई कमी रह गई है तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें ये हम मोमिन को हक नहीं है कि वला तना बजुबिल्फा का बादल ईमान ये तो ईमान लाने के बाद बहुत फिस बुराई का, का काम है वो इससे हमें तबा करनी चाहिए वरना हम ाल में सो जाएंगे वरना हम गुने गारों में सो जाएंगे तो ज़बान के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे गारंटी दे दो कि तुम अपनी ज़बान से जब भी बात करोगे अच्छी बात करोगे गारंटी दे दो मुझे इस बात की और अपनी शर्मगा की कि तुम हया के साथ काम लोगे अपनी शाहवत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दोगे तुम ऐसी कभी भी हरकतें ना करोगे जो तुम्हें शर्मिंदा करने यादी तक जिना अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है से जिना के करीब भी नहीं जाना शर्मगा की हिफाजत करना ऐसे दरवाजे कभी ना खोलना जो तुम्हें फहाशी की तरफ ले जाए तो हमसे जो भी गुनाह होते हैं हमें उसकी तौब करनी चाहिए लेकिन इंसान है उसका नफ्स है उसकी ख्वाहिशात है तो उसको क्या चाहिए अगर उससे कोई ऐसा काम हो जाता है तो वह अल्लाह से तोबा करे अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह से रुजू करे अल्लाह मुझसे ये बुरा काम हो गया तेरे मना करने के बावजूद भी हो गया या अल्लाह तू तो बड़ा गफूर और रहीम है या अल्लाह तू मुझे बख्श दे उसको नदामत होनी चाहिए अपने इस गुनाह के ऊपर तो अगर वो ज़मानत दे दे अपनी जबान की और अपनी शर्मगाह की

एक बंदा ऐसी कोई बात करता है एक बंदा मूड में होता है ऐसी कोई अच्छी बातें कर रहा होता है और उसके मुंह से एक ऐसी अच्छी बात निकल जाती है अल्लाह के लिए किसी के लिए भी जो अल्लाह को बहुत पसंद आ जाती है नियतन भी नहीं बल्कि उसकी जबान से बस ऐसी कोई बात निकल गई उसने यह कह दिया उसने कोई अच्छी बात कह दी उसने यह कह दिया भाई अल्लाह ही की तरफ लौटना हम उसने ऐसी कह दी कोई बात कोई भी अच्छी बात उसने कह दी उसकी जबान से निकल गई फरिश्तों ने लिख ली अल्लाह को पसंद आ गई हालांकि वो चाहता भी नहीं था बस अल्लाह के हुक्म से उसकी से निकल गई अच्छी बात और अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसकी दर्जा बुलंद कर दिया जबान और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इसी तरह वो जब बुरी बातें कर रहा होता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बुरी बात निकल जाती है ऐसी बुरी बात निकल जाती है ऐसी बुरी बात निकल जाती है कि अल्लाह उससे सख्त नाराज हो जाता है इसके बारे में एक हदीस भी आती है जिसमें एक शख्स है वो दूसरे शख्स को ये कह देता है पहले वो उसको नसीहत करता है कि भाई देखो तुम नक ही काम करो नेक काम करो तुम देखो तुम नेक काम करो देखो तुम नेक काम वो नक ही नहीं करता वो नेक ही नहीं करता वो गुनाह करता रहता है देखो तुम नेक काम करो तुम जन्नत में जाओगे गुनाहों से बचो तुम जहन्नुम में जाओगे मरना वो नेक काम कर वो नहीं करता दूसरा वाला ये गुस्से में उसको कह देता है तुम तो जहनुम में ही जाओगे तुम्हारा ठिकाना तो तु जहनुम ही है डिसीजन फैसला सुना दिया उसने हालांकि स्ट्रेस हो गया था उसको कि मैं उसको इतना बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रही मैं इसको डरा दू जल्द उसने क्या कहा उसने ये कह दिया कि अब तो तुम जहनुम में ही जाओगे अब तो तुम जहनुम में ही जाओगे यकीनन अल्लाह ताला उससे सवाल जरूर करेगा अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुमने उसको क्यों कहा कि वो जहनुम में जाएगा ये फैसला लेने वाला कौन है और वो शख्स कहेगा अल्लाह तू था फैसला लेने वाला ये कि वो जहन्नुम में जाएगा जन्नत में जाएगा तो हमारा काम सिर्फ लोगों पे फतवे लगाना नहीं है हमारा काम लोगों के लिए जन्नत जहन्नुम डिसाइड करना नहीं है हमारा काम है लोगों के लिए करना। लोगों की इसलाह करना वमा अलैना इल्ला मुबीन मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक हमारा काम है पहुंचाना अच्छाई का हुक्म देना बुराई से रोकना हमारा काम फैसले सुनाना नहीं है किसी के हवाले से हम बोलते हैं भाई तुम तो अब जाओगे ही जहनुम में तुम तो अब जाओगे ही जहानुम में इस तरह करके नहीं इस तरह कभी नहीं कहना चाहिए तो ज़बान ही है जो इंसान को हलाकत में डाल देती है और एक और हदीस बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आज कल हमारी बहुत कॉमन हो चुकी है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी कोई भी एक पोस्ट बग़ैर तहकीक के बगैर उसको रिसर्च किया अगर आगे बढ़ा देना चाहे वो कोई भी चीज हो चाहे वो किसी के इंसान के साथ जुल्म की चीज हो चाहे वो खैर की बात ही क्यों ना हो अल्लाह के रसूल अलमाते हैं कफा बिलमर यह जैसा बिकुल लिमासा में कि इंसान के झूठ होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे कि वह सुनी सुनाई बात को क्या करे आगे पहुंचा दे उसके लिए झूठा होने के लिए काफी है यह नहीं कहा कि वह सच हो या झूठ हो नहीं सिर्फ वो बात सुने उसकी तहकीक ना करे और आगे पहुंचा दे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है इस बिना बैन बइ्यन अगर तुम्हारे पास कोई शख्स आ जाए और तुम्हें कोई खबर दे तुम्हें कोई चीज बयान करे तुम्हें किसी चीज के बारे में बताए कि भाई मैंने वो फला को देखा वो ये है फतेह बैनु इन जातेभ्यन तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जालिमिन में से हो जाओ कहीं तुम कहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो और तुम बगैर तहकीक के उसकी बात आगे बढ़ा दो वला मा नादमी और बाद में तुमसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जिस पर तुम्हें नदामत हो तो कोई भी बात देखिए फिर आ गई जबान जबान की हलाकत चल रही है जबान का गुनाह चल रहा है कि आप कोई भी बात कोई भी ऐसा जुमला कोई भी ऐसा इल्जाम आप बगैर तहकीकिया आप आगे बढ़ा दें इससे बेहतर ये था अल्लाह के रसुलरमा देसन इस्लामरी तरको माला यानी भाई जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसको छोड़ दें उस चीज में बात करने की जरूरत ही नहीं है जो चीज आपको सूट ही नहीं करती जिस अहदे पर जिस मनसब पे आप नहीं हैं जिस महल से आप गुजरे नहीं है जो एक्सपीरियंस आपको नहीं है उसके बारे में बात नहीं किया करें जिन बातों से आपका कोई कंसर्न नहीं है जिन बातों से आपका कोई नफा नुकसान नहीं है जिन बातों से आपकी ना आपका ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है जिन बातों से आपको कोई फायदा नहीं है ऐसी बात नहीं किया करें इस्लाम इस चीज को रोकता है और इस्लाम के हुसन में से है कि बंदा वो बात करता है जिसमें वो खुद एक्सपर्ट हो जिसमें खुद उसका तजुर्बा हो जिसमें वो खुद उस महल से उस मौके से बाखबर हो बाकी एक मुसलमान इस्लाम को मानने वाला एक मोमिन की कभी भी ये सिफत नहीं होती कि वो फजूल बातों में ले महफिलों की शान महफिलों की शान ही वही होता है आजकल कल हमारियाँ जो फजूल बातें करता है तो हमें ऐसी ज़बान की बातों से बचना चाहिए अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है कुरान के अंदर वला तकफु मालैस लकबी ही अल उस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है यानी कि उस चीज़ में गुफगु ही ना करो ये पीछे वाली हदीस की अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करें थोड़ा सा और वजाहत करें इसकी तो इसके बारे में यही है कि उस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है वाला तकफू माली सला कभी इन वल बसरा वल फुआदा कुल्लू उलाई का मसूला बेशक कान हो आंखें हो दिल हो हर चीज के बारे में अल्लाह सवाल करेगा दूसरी हदीस जन्नत में ले जाने वाला रास्ता जन्नत में ले जाने वाले रास्ते के लिए दूसरी हदीस एक बार अल्लाह के साहबा बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए सोचे वो क्या मंजर होगा अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए

वो गया उस जनाजे में अबू बकर फिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अना मैंने किया अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक और सवाल पूछते हैं फमन आता मिनकुम को मिन को बोलिया हो कौन है जिसने आज एक मस्किन को खाना खिलाया मस्किन को खाना खिलाना पहला क्या था कि कौन है जिसने आज के दिन रोजा रखा एक ही दिन में रोजा भी रखा जनाजे के भी पीछे गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कौन है जिसने सदका भी किया एक मिसकिन को खाना खिला दिया अबू बकर ने फिर कहा अल्लाह के रसूल मैंने यह काम किया आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा फमन तो आदम मरीजन कौन है हम में से जिसने एक मरीज की आदत करी जिसने एक मरीज की आयादत करी उसका भाई बीमार था और वो गया उसके हालात पूछने के लिए वो गया उसकी उसको दुआ देने के लिए ला लाबासद इनशाला असल ला ला आजीम और अब्बल अरशल आजीमश अल्लाह ताली आपको शिफाय का मिला फरमाए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं मैं ले आपके लिए हॉस्पिटल गया हो घर में गया हो कि भाई आज मेरा फला भाई नमाज पढ़ने नहीं आया डेली आता है आज मैं जरा जाके देख लेता तो था ये क्यों नहीं आया मेरे घर में अक्सर मुझे ये साफ नजर आते थे आज मुझे नजर नहीं आया मैं ज़रा जाके तो पूछूँ जाने अनजाने वो जाता है लोगों से पूछता आदत करता है मरीज़ की वो पूछता है उसका हाल एहाल दरियात करता है तो अल्लाह के रसूल ने यही सवाल किया मना मरीज़न आज के दिन तुम में से वो कौन शख्स है जिसने किसी मरीज की आदत करी अबू बकर ने फिर कहा अल्लाह के रसूल मैंने किया अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फिर जवाब में कहा मजतमान जिसके अंदर ये मामला दाखिल हो गए ये चार चीजें दाखिल हो गई अल्ला दखल जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिस बंदे में भी ये दाखिल होंगे सिर्फ वो जन्नत में ही जाएगा जन्नत पक्की उसकी कंफर्म जन्नती जन्नत पक्की हो गई जिसने रोजा रख लिया सिंपल रोजा किसके लिए रखा जाता है अल्लाह के लिए किसका हक है रोजा अल्लाह का हक है एक अल्लाह ने अपना हक हाँ बयान किया मेरे लिए रोजा रख लिया जनाजा अपने भाई के लिए जनाजे के पीछे गया वो किसके लिए गया अपने भाई के लिए गया वो उसके लिए दुआ करते हुए अल्लाहफिल्ला अल्लाह तो इसको बख्श दे अल्लाह तो इस पर रहम फरमा अल्लाह मकफ फिर उबर हम वाफ ही या अल्लाह इसको आफ़ियत दे या इसको अच्छा ठिकाना दे पूरी जो दुआ है जनाज़े की वो जनाज़े के पीछे गया उसको दुआ दी इंसान का हक पहला हक किसका था एक हक़ अल्लाह ने अपना बयान किया रोज़ा अल्लाह के रसूल ने एक हक अल्लाह का बयान किया फिर अल्लाह के रसूल ने हक़ूक लिबाद बयान किए ठीक है कि जो जनाजे के पीछे गया तीसरा जो हक बयान किया वो क्या किया मिस्किन को खाना खिलाना तीसरा भी उस हकूकों लिबाद दो हकूकों लिबाद हो गए एक हक हाँ अल्लाह का हो गया दो हक हाँ लोगों के हो गए तीसरा मनाआमिन यौम मरीजन और जिसने किसी मरीज की इयादत कर दी तीन हुकूक बंदों के और एक हुकूक अल्लाह का तो अल्लाह का हुकूक अल्ला पूरा करना भी लाजमी है और बंदों के हुकूक पूरा करना भी लाजमी है हालाँकि ये वाजिब नहीं था ये प्रेफरेबल डूज थे लेकिन अगर कोई इस चीज़ को कर लेता है तो जन्नत पक्की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इल्ला दखल जन्नत जन्नत पक्की उसकी जन्नत पक्की हो गई उसकी जिसने ये चार काम कर लिए आगे एक हदीस आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब ये मैं आपको तीसरी हदीस बता रहा हूं जन्नत में दाखिल होने के लिए जन्नत का रास्ता आसान करने के लिए तीसरी हदीस रगम अनफू तुम्हारी नाक खाक आलूद हो यानी कि जब किसी अरबिक के अंदर ये प्रोवर्ब्स होते हैं जब आप क्या कहते हैं किसी बात की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे होते हैं और जब आप बता रहे बताना चाह रहे होते हैं कि तुमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम मिस कर रहे हो तो कहते हैं तुम्हारी ना खाक आलूद हो यानी कि तुम बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो तो गौर से सुनिएगा ये हदीस सुम रगीफू फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया तुम्हारी ना खाक आलूद हो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुम रगीफू तुम्हारी ना खाक आलूद हो यानी कि तुम एक ऐसी अपॉरचुनिटी वेस्ट कर दोगे इस तुम्हारी ना खाक आलूद हो जाए मट्टी में मिल जाए तुम्हारी नाक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं अगर तुमने इसको मिस कर दिया मन या रसूल अल्लाह साहबा ने पूछा पूछा गया नबी सलम से मन या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल ये कैसे पॉसिबल है क्या बात है वो आप क्या बताना चाह रहे हैं जो आपने तीन बार इतनी इंपॉर्टेंस दी है क्या बताना चाह रहे हैं अल्लाह के रसूल हमें भी तो पता चले अल्लाह के रसूल रसुलरमाते मन अदरा का अब ही अंगल की बार जिसने अपने वालदेन को बुढ़ापे में पा लिया हुमा और किले या एक को पा लिया या दोनों को पा लिया जिसने बुढ़ापे में इंदल की जिसने बड़ी उम्र में बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पा लिया उस वक्त जब वो चल नहीं सकते थे उस वक्त जब वो खा नहीं सकते थे उस वक्त जब वो खुद पहन नहीं सकते थे कपड़े उस वक्त जब वो खुद बात नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से फालिज हुआ हुआ था जबान नहीं हिलाई जा रही थी उस वक्त जब वो माजूर थे बैठ पर लेटे हुए थे जब तुम में से किसी ने अपने माँ या बाप में से किसी एक को पा लिया, लिया फलम जन्ना और वो पाने के बावजूद जन्नत में नहीं दाखिल हो चुका जन्नत में नहीं दाखिल हो सका यानी कि माँ बाप पा लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे पास जन्नत कमाने की कि तुम तीन साल चार साल पांच साल उनकी उनकी जिंदगी भर उनकी खिदमत कर सकते और अगर तुमने तब भी अपनी जिंदगी के अंदर साठ सत्तर साल की जिंदगी के अंदर तुमने पांच साल या छह साल उनको नहीं दिए एक साल नहीं दिया दो साल नहीं दिए तीन साल नहीं दिया जब तक अल्लाह ने उनको जिंदा रखा तुम्हारे लिए रखा था और उनकी खिदमत करने के बावजूद भी उनकी खिदमत नहीं करी तुमने तो फिर तुम जन्नत में कैसे दाखिल हो सकते अगर तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सके उनको पाने के बावजूद तो तुम्हारी नाक मट्टी में खाक आलूद हो जाए बड़ी बदबख्ती है तुम्हारी कि मां बाप मोहताज थे वो तो टिकट था जन्नत का उनकी खिदमत करना तो तुम्हारे लिए टिकट था जन्नत का और तुमने फिर भी उनकी खिदमत नहीं करी इस तुम कैसे फिर भी तुमने जन्नत नहीं ली ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हें चांस दिया था जन्नत के सौदे का अल्लाह ने जिंदा रखा था वो एक शख्स से मैं मुलाकात हुई उसने मुझसे कहा अरसलान तुम्हें पता है उसने मुझसे कहा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला क्यों जिंदा रखता है हमारे वालदेन को देखिए इंसान की फितरत है अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छी फितरत पे पैदा किया इंसान की फितरत भी यही कहती है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए माँ बाप को आप कभी बदला नहीं उतार सकते याद रखिएगा माँ बाप कभी भी बदला नहीं उतार सकते माँ बाप का ऐसा रुतबा है आप कभी भी उनका बदला नहीं उतार सकते ऐसा रुतबा दिया अल्लाह ने मां बाप को हमेशा अल्लाह ताला कहता है एहसान करें उन पर बदला ना दें एहसान करें उनके ऊपर ज्यादा करें उनके लिए आप कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते ज्यादा करें कोई स्केल ही नहीं बना ऐसा कि बेटा बोले कि मैंने आपकी खिदमत से ज्यादा आपने जितनी मेरी खिदमत करी है उससे ज्यादा मैंने आपकी खिदमत करी ये स्केल ही नहीं है कोई तो दुनिया में अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है एहसान करो मां बाप के साथ ज्यादा करो उनके साथ तुम्हारा अदल ही है तुम्हारा इंसाफ ही है कि तुम उनके साथ ज्यादा करो क्योंकि तुम उस चीज को कभी समझ ही नहीं सकते जब तुम छोटे थे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे किया रबारा बैन सगीरा, कुरान की गायत तो मां बाप को पाना तो उस शख्स ने मुझे ही कहा मां बाप को अल्लाह तमारे लिए जिंदा रखता है दुनिया से तो उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी जिंदा तो अल्लाह ने माँ बाप को हमारे लिए रखा हुआ कि हम फायदा उठा रहे और बाकी देखें हदीस भी यही कहती है कि दोनों में से किसी एक को पा लिया और वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका और जन्नत नहीं कमा सका ऱिमा अनफु उसकी नाक जो है खाक आलूद हो जाए अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है बहुत मशहूर आयत है व क़ज़ा और अबू का अल्लाह तब वबील वाली अहसाना अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए व बिल वालदी अहसाना और वालिदैन के साथ एहसान किया जाए इम्मा अब लगन ना आंद हमा अव किला हमा फ़ला तहुमा जब उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए या दोनों पहुँच जाए तो उनको उफ़ भी ना कहना वला तनहर हमा और उनको झड़कना भी नहीं वक़ुल्ल हम कौलन करीमा बल्कि इज्जत से उनकी बात का जवाब देना प्यार से उनकी बात का जवाब देना उनको झड़कना नहीं आपको उनकी बात बुरी लग रही है इग्नोर कर दें बाद में आप बात कर लें लेकिन प्यार से बात करें आप खामोश हो जाए वो बुढ़ापे में हैं वो ज़िद्दी हो चुके हैं आप खामोश हो जाए उनसे सब्र नहीं हो रहा आप तो जवान है आप तो सब्र कर सकते हैं उनका माइंड कमजोर हो गया आप तो फ्रेश हैं तो अल्लाह ताला ने उनको आपके लिए रखा हुआ है आपके अंदर अल्लाह ताला ने बर्दाश्त रखी है वो तो बूढ़े हो चुके हैं तो हुक्म आपके लिए है हमारे लिए है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें कऊलन तो करीमा अच्छी और इज्जत से बात करें अच्छी बात करें अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है अगर आप उनको कोई नसीहत करना चाहते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से नसीहत करें अगर आप उनकी किसी आदत को पसंद नहीं करते अगर कोई चीज़ अल्लाह की अतात के ख़िलाफ़ जा रही तो आप उनकी अच्छे तरीके से बोलें इस तरह ना बोलें ये क्या काम कर दिया आपने ये तो जहनुमे वाला काम है ये तो कोई ये तो हराम हो गया सारा आपके ऊपर नहीं बल्कि आप उनको बोलें ये काम ना करें अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है देखें नमाज़ पढ़ लें अगर किसी के माँ बाप नमाज़ नहीं पढ़ते आप उसको प्यार से बोलें आप उनके माँ बाप को समझाएं देखें आप नमाज़ पढ़ें ये आपके लिए बेहतर है इस तरह प्यार से बोले नाराज ना हो उनसे लड़ाई ना करें उनसे जज्बाती ना हो तो उफ़ कौलन करीमा जनाजुल्ली और एहसान अल्लाह ताला ने देखें अल्लाह ताला ने आगे क्या बताया अपनी बाहों को खुला रखना बिछा के रखना लहुमा जनाह मिन लहम्मा जनाजुलरमाहत के रहम के साथ अपनी अपने बाजुओं को अपने कंधों को झुका के रखना बकुर रब रह और अल्लाह से ये दुआ करते रहना इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया एक और हदीस हम आगे जाते हैं जन्नत के जन्नत में ले जाने वाला रास्ता तीन हदीसें हो गई तीन तरीके हैं जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल छोटी सी एक जबान की जबान और शर्मगा की जबानत हो गई और ये चार एलिमेंट्स हो गए अल्लाह अल्लाह के लिए रोज़ा रखना एक ही दिन के अंदर रोज़ा जनाजा जनाजे की इतवा मरीज की आयाद और मस्किन को खाना खिलाना

बेहतरीन और अच्छे से पानी इस्तेमाल करें कम पानी इस्तेमाल करें और ज़्यादा वज़ू करें अच्छी तरह पानी को हर औज़ार तक पहुँचाए अच्छी तरह सर का मसा करें ऐसा नहीं कि नल खोल दिया और वज़ू करे पे करे चले जा रहे हैं और पानी बाहर चले जा रही है आसन वजू नहीं है अदीस माँ इस बाग वजू अल है अलामयम बिल्त्या वाह दर अल्लाह के रसूल रसुलसम फरमाते हैं मैं एक ऐसा अमल ना बताऊँ जिसकी वजह से अल्लाह ताली तुम्हारे सारे संगीदा गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा तो वो क्या है इसबा ववज़ू यामकारी जब इंसान को नापसंदीदा हो हालात उस वक्त वो बेहतरीन वज़ू करें इससे इंसान के दर्जात भी बुलंद होंगे और इंसान के गुनाह भी मिट जाएंगे आगे हदीस का एक बहर इस हदीस पर वापस आते हैं माह में बेहतरीन वजू किया ऐसे नहीं जल्दबाजी में बस मुंह धोया हाथ धोया बल्कि अच्छे तरीके से वजू किया बिस्मिल्ला पढ़ के शुरू किया और आखिर में दुआ पढ़ी अशद वाह शरीद मोहम्मद नामू अल्लाह जालिमिन मिनतरीन जिसने दुआएं भी पढ़ीं जिसने तीन बार भी धोया जिसने पानी भी ज़ाया नहीं किया जिसने अच्छे तरीके से खुशु खुजू के साथ उसने वज़ू किया कि अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल कर ले सुमकूम और फिर उसके बाद उसने दो रकात पढ़ ली उसने दो रकात पढ़ ली वज़ू के नफिल जो होते हैं उसने दो रकात पढ़ ली अल्लाह तला उसको ऐसा कबूल फरमाता है अल्लाह ताल फरमा है उसके दिल और उसकी जान से अगर वो ये कर लेता है काम एरा नियत उसकी अच्छी थी और खुशू के साथ उसने सिर्फ वजू किया और दो रकात पढ़ ली जब भी वो वजू करे दो रकात पढ़ ले इल्ला वजब लहुल जन्ना अल्लाह तला ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी वाजिब हो गई जी जन्नत वाजिब वाजिब का क्या मतलब है यानी कि अब वो लाजिम है अल्लाह पर कि अल्लाह आपको जन्नत देगा इंशाअल्लाह इल्ला वजबत लहुल लहुलजन्ना यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उस पर जन्नत वाजिब हो गई लहुल लहुलजन्ना इल्ला वजबत लहुल लहुलजन्ना सिर्फ और सिर्फ वजू किया अच्छे तरीके से किया और फिर उसके बाद दो रकात पढ़ ली एक बार हज़रत बिलाल रजी अल्लाह का बहुत मशहूर किस्सा है इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं जन्नत में गया बिलाल रजी अल्लाह लन से पूछा बिलाल तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जन्नत में मेरे साथ एक मामला हुआ मैं जब जन्नत में चल रहा था तो मैंने अपने कदमों से आके तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी यानी कि तुम जमीन पर चल रहे थे और उसकी आवाज़ें जन्नत तक आ रही थी ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत दुनिया में ही दे दी तो बिलाल रजी फरमाते मैं तो एक कोई ऑर्डनरी सा अमल करता हूँ शायद कोई छोटा मोटा करता हूँ बस मैं वज़ू करता हूँ नमाज पढ़ लेता हूँ दो तो अल्लाह के रसूल से अजम फरमा दे अल्लाह को इतना पसंद है तुम्हारा नमाज करना कि अल्लाह तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी जाती है अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैंने खुद सुनी है तुम्हारे क़दमों की आहट मैंने खुद सुनी तुम्हारे कदमों की आहट कि तुम चल रहे थे और जन्नत में उसकी आहट आ रही थी ये है ये है मोमिन ये है मोमिन ऐसे होते हैं अमन और इतनी आसान है जन्नत वज़ू किया और दो रखात नफिल पड़ी एक और हदीस में अल्ला तला में तोफ़ीक दे वजू के बाद दो रकात नफिल पढ़ने की एक और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब ये एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं जन्नत में जाने वाला एक और रास्ता ला जन्ना, तो जन्नत में तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान न लियाओ जन्नत में जाने के लिए ईमान लाना लाजमी है आमन व रसुल तकदीर की खैर व शर पर आखिरत के दिन पर अल्लाह के फरिश्तों पर अल्लाह के रसूलों पर अल्लाह की किताबों पर अल्लाह पर अल्लाह के वजूद पर अल्लाह की उलोइ पर अल्लाह की अबूदियत पर अल्लाह की रबूबियत पर अल्लाह के असमो सिफात पर नबी पर सब पर ईमान ले आया दिल का ईमान लिया लात खन जन्नत हता मिनू जब तक तुम ईमान नहीं ला सकते तुम जन्नत में नहीं जा सकते वला तो मिनु हता और ईमान पर तुम कामिल हो ही नहीं सकते और ईमान को तुम पहचान ही नहीं सकते जब तक तुम आपस में मोमिन के साथ मोहब्बत ना करो एक दूसरे के लिए भला चाहो एक दूसरे को पसंद करो एक दूसरे को पसंद करो एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करो एक दूसरे की फिक्र भाई भाई खाया नहीं खाया कहीं मेरे भाई के साथ ये परेशानी तो नहीं आ गई मोहब्बत करो उससे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन जो होता है मोमिन जो होते हैं वो इमारत की तरह होते हैं इमारत की तरह वो इमारत की तरह होते हैं मोमिन वो एक बिल्डिंग की सुतून और उसकी उसकी बुनियादों की तरह होते हैं जो इतिहाद होता है तो फिर उससे एक मजबूत इमारत बनती है तो मोमिन तो ऐसा होता है कि एक मोमिन को अगर तकलीफ हुई तो दूसरा मोमिन उसकी तकलीफ को महसूस करता है कि जैसे उसका ही किसी जिसम का टुकड़ा अगर एक मोमिन को दुख हुआ है उसके माँ बाप चल बसे तो दूसरे मोमिन को वैसा ही दुख होता है कि मैं उसके दुख में शरीक हो जाऊं अगर एक मोमिन को यह दुख होता है कि उसका माल जल गया तो दूसरे मोमिन को भी ये दुख होता है कि यार इसके भाई मेरे भाई का माल जल गया मैं शायद इसकी कुछ मदद कर सकूं हम तो बल्कि लूट लेते हैं उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं हत्ता है ता ता तुम आपस में मोहब्बत करो हम तो लूट लेते हैं हमें तो मौका चाहिए लूटने का किसी तरह हमें मौका मिले और हम अपने भाई को ही लूट लें किसी तरह हमें मौका मिले हम उसको ही हड़प लें किसी तरह हमें मौका मिले हम उसकी जगह ही ले लें हम उसको सीट से हटा दें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया हमें अगर आप मोहब्बत करते हैं ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करना पड़ेगा हत्ता तहबू आपस में मोहब्बत करो और अला अब्दुलरकूम आलाशिन इदाफ़ाल तुम व तहब तुम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमा दिया कि मोहब्बत की इब्तिदा और मोहब्बत की शुरुआत और मोहब्बत कहते किस को है ये भी अल्लाह के रसूल ने डिफ़ाइन कर दिया मोहब्बत किस तरह बढ़ती है एक एक कुछ अल्फाजों में अल्लाह के ने फरमाया एक बात एक काम का, एक दूसरे को सलाम कर लिया करो इफाई सलाम, सलाम को आम करो सलाम कर लिया करो एक दूसरे को जिसको तुम जानो या ना जानो सलाम कर लिया करो जी भाई सलाम क्या हाल है आपके इस तरह करके आप सलाम कर लिया करें कोई मसले वाली बात थोड़ी एक और हदीस में रसुलरमाते ए लोगो देखें अल्लाह के रसूल नास कह के, के मुखातिब किए नासमिन या मुसलमान नहीं, नास लोगो अफशुस सलाम फैलाया करो सलाम किया करो अफशुस सलाम को आम करो क्यों क्योंकि पीछे हदीस में हमने पढ़ा इससे मोहब्बत बढ़ती वह अतमोत्तम और लोगों को खाना खिलाया करो वो बिल्ल और रात में नमाज पढ़ा करो और तौर पर उस वक्त व ना स नियाम जब लोग हो तद खलोजनत सलाम और फिर जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ यानी कि सिंपल सलाम खाना रात की नमाज फिर जन्नत पैकेज क्या है जन्नत सलाम बंदे का हक तमाम बंदे का हक सल्लुबिल्लील अल्लाह का अल्लाह के लिए नफ्स खलवत ठीक है जी एक अल्लाह का हक आ गया दो बंदे के हुकूक आ गए तद खल सलाम। पैकेज में यह है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत दे देगा ये है जन्नत में जाने का सिंपल सा रास्ता कि आपने ईमान लाना है आपने मोहब्बत करनी है और आपने सलाम करना है आपने खाना खिलाना है आपने रात में नमाज़ पढ़नी है कुछ छोटी मोटी गिनती की चीज़ें हैं अंधे की जन्नत पक्की कोई रॉकेट साइंस नहीं कोई मस्जिदों में सारा दिन 24 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला एक आम इंसान को भी जन्नत में डाल देता है और कभी कभी एक आलिम की भी पकड़ हो जाती है जो सारी ज़िंदगी डेडिकेट करके जा चुका होता है अल्लाह की तरफ अल्लाह ताला, ताला उससे पूछे का क्या कर रहे थे तुम दुनिया में अल्लाह मैंने तो सारी ज़िंदगी तेरे लिए इल्म पढ़ाया मैंने सारी ज़िंदगी तेरे इल्म की प्रिजर्वेशन का काम किया अल्लाह बोलेगा नहीं इसको जहनुम में ले जाओ और घसीटते हुए लेके जाओ जिल्लत के साथ क्यों वो मेरे लिए नहीं था वो तुम लोगों के दिखावे के लिए करते थे ताकि लोग तुम मेरी वाह करें ताकि लोग तुम्हें कहें वाह जी क्या बात है बहुत बड़े आलिम दीन है माशा बड़े ज़बरदस्त फतवे क्या हमत है माशा तो अखलास ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों में तो रात की जो नमाज होती है ना वो वल्लुबिल्ल वन्नासिन नयाब जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त होता है इखलास इससे पता चलता है बंदे का इखलास अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे कि हमें इन बातों पर अमल करें एक और हदीस जन्नत में ले जाने वाला रास्ता एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जिसे हम कहते हैं सैदुलफ़ार यानी कि अस्तफार की पीक यानी कि टॉप सैदुलफ़ार ठीक है जी अस्तफार का बादशाह बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है हदीस में दुआ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसी दुआ है एक शख्स अगर उसको सुबह पढ़ लेता है और शाम के आने से पहले वो फौत हो जाता है सुबह पढ़ ली और शाम के आने से पहले फौत हो गया अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल देगा मतलब वो फौत हुआ उसकी जन्नत पक्की और अगर जो शख्स शाम में पढ़ लेता है तो सुबह होने से पहले वो जन्नत में ये एक सिंपल सी दुआ है हमें याद होनी चाहिए दुआ क्या है अल्लाह तलामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ सिखाई सी अल्लाह मानता रबिला तू हमारा रब है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं नहीं आई अभी तक खलक तनी अल्ला तूने मुझे पैदा किया वा अना वना का वाला वादिका मस्ता अल्लाह मैं तेरे अहद पर हूं तेरे वादे पर हूं मैं तेरा बंदा हूं जितनी मेरी स्तारत है जितना मैं मैंबल हूँ लायुकल जितना मैं केपेबल हूँ या अल्लाह मैं तेरा वादा भी पूरा करता हूं मैं तेरे अहद पर भी हूँ जो मेरा पर्पज तूने मुझे बताया था अमर बिन मालूम नहीं मुनकर इबादत तेरी इबादत जो भी है और मैं तेरा बंदा भी हूँ तेरी बंदगी भी करता हूँ तेरे अहद पर हूँ तेरे वादे में हूँ जितनी मेरी स्तारत है अभी तक इसफ़ार नहीं है हालांकि इसको सैयदफ़ा कहा जाता है आउ ज़ुबे का मासनात, शरमात अल्लाह तूने शर पैदा जो भी अल्लाह तू ने शर बनाया है या अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ अबू अ का बिज़म भी व अबू उला का बिन का, का अम्म तूने जो मुझ पर नियमतें अता करी हैं यह अल्लाह मैं उसको एक्सेप्ट करता

मैं उस तरह उतर नहीं पाया तेरे वादे पर अभी अभी देखें सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चल रही है। सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है अस्तफार नहीं है अस्तफार कितनी है इसमें अरे फखली अल्लाह तू मुझे माफ कर दे बस अल्लाह बस तू मुझे माफ कर दे एक जुमला फ इन लायक फिर जुनूब अंत मुझे तू क्यों माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवाय अल्लाह कोई माफ ही नहीं कर सकता ये दुआ है अल्लां रबिला खलकनी व अना अब्दू का व अन अलादिका व विका मस्तातु आउजी सुनातु अबू का ये दुआ पढ़ लें अगर शाम से पहले अल्ला के हकम से आ गया मौत का फरिश्ता और उसने रू कब्ज़ कर ली तो आपकी जन्नत पक्की अगर शाम में पढ़ ली आपने ये दुआ ये सैदल और सुबह से पहले आपकी रूह कब्ज कर ली गई रात के अंदर नींद में सजदे में तहज्जुद में जैसे भी हो आपकी जन्नत पक्की तो ये दुआ है एक और हदीस में आता है आप देखें हुकूक उल इबाद की एक और हदीस आ गई बड़ी जबरदस्त सी और बहुत ही सिंपल सी हदीस है अल्लाह के रसूल फरमा दे काना अल तवरी की गुस्नू शनास रस्ते में कोई चीज पड़ी हुई हो अगर दरख्त की टहनी यो जिन्नासा जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रही है लोगों को तकलीफ हो रही है सिर्फ एक टहनी देखें टहनी की बात करिए अल्लाह के रसूल ने जिन्नास शजारन्नासम तहारत जोनों एक शख्स आता है उसको उठा देता है अल्लाह के रसूल फरमाने जन्नत में दाखिल हो चुका वो एक टहनी उसने हटा दी जो लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन रही थी अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी एक टहनी की वजह से सिर्फ एक टहनी हटा दी बस जन्नत पक्की जन्नत इन अटशल एक छोटे से कूजे के अंदर थोड़े से अल्फाजों के अंदर जन्नत मिल गई इंसान को एक छोटा सा काम बस एक टहनी पड़ी हुई थी लोगों को तकलीफ हो रही थी एक शख्स आया उसने टहनी हटाई उसकी जन्नत पक्की सिंपल डन कोई ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये ही अगर अल्लाह के लिए लेकिन किस लिए इसमें इसमें गहराई क्या थी इस बात में वो वजह क्या थी जो जन्नत बनी कि उसने भला चाह ममिन का इंसानियत का उसने हकूक इबाद का उसने भला चाह उसने वो चीज़ पसंद करी जो वो अपने लिए पसंद करता था उसने अल्लाह के लिए उसने लोग उसके दिल में रहम आया अल्लाह ताला को पसंद आया अल्लाह ताला ने उसको जन्नत का अल्लाह ने उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु रसल में बोला वो जन्नत में दाखिल हो चुका एक और हदीस जन्नत में ले जाने वाला एक छोटा सा अमल अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन करा आयतल कुर्सी दुबरकुल रकुल मकतूबा जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली हर फर्ज नमाज के बाद हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली पांच मरतबा आयतल कुर्सी हो गई दिन में पांच मतबा फजर के बाद जहर के बाद असर के बाद मगरिब के बाद ईशा के बाद पांच मरतबा जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली वो म यम ना हो मंदुखुल जन्नतिमा जन्नत में दाखिल होने के लिए जो सिर्फ एक रुकावट है उसके लिए जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक रुकावट है सिर्फ एक रुकावट और वह है मौत यहां वो फौत हुआ वहां वो जन्नत में सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ ले दिन में पांच मरतबा पा, आपकी जन्नत पक्की इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी हदीसें जो अल्लाह के रसुल ने फरमाई है तो हमने जिन जो भी बात सुनी है अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस पर अमल करें हम उस पर अमल करें उस पर ईमान लाएँ और इस पर इस तरीके से अमल करें जैसे इस पर अमल करने का हक़ है कमा हक का हो इस पर अमल करें ताकि हम ईमान भी लें अल्लाह के साथ सिंसियर सिंसियरिटी लाएँ अपने अंदर लोगों के लिए भी और अल्लाह के लिए भी और ये ना सोचें कि इसका बदला नहीं मिल रहा मुझे इसका पे बैक नहीं मिल रहा कब मिलेगा अल्लाह के हर चीज़ नोट हो रही होती है अल्लाह हर चीज़ का पे बैक देगा अल्लाह हर चीज़ का रिटर्न देगा इन शाला अल्लाह क्या इंसाफ़ है अदल है अल्लाह क्या नहीं है लोगों में म है इन अला मन्ना से अला किसी में म नहीं करता लोग अपने ऊपर म करते हैं तो अपने गुनाहों को अपनी नेकियों को अपने हाथ से बर्बाद ना करें नकिया करें उसको प्रिजर्व करें नक करें तोबा करें अल्लाह से इस रमज़ान रमज़ान में इबादतों को अपनाना और गुनाहों को छोड़ना बहुत आसान है ये एक मौका है अल्लाह ताला ने हम कहते हैं हम खुश नसीब हैं खुश नसीब हैं हम कि हम इस रमज़ान में इस दुनिया में मौजूद हैं हमें नहीं पता कल जितने भी सुनने वाले हैं जितने भी देखने वाले हैं जितने भी लोग हैं न जाने हम में से कितने लोग होंगे जिनको अगला रमज़ान नसीब नहीं होगा जिनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं होंगी तो ये आसानी का महीना है इसमें जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते हैं करें इसमें जितनी ज़्यादा गुनाहों से दूर रह सकते हैं करें अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अदा फरमाए जो भी हक़ था जो भी खैर थी वो अल्लाह ही की तरफ़ से थी और जो भी इसमें गलतियाँ थीं और जो भी इसमें शर था वो मेरे इल्म की कमी थी वो मेरे नफ्स की वजह से थी अल्लाह ताला से दुआ है जो भी कहा सुना अल्लाह ताल पर उस परमल करने की तौफीक तोफ़ी अदाफरमाए अकूल कौलिहाजा असफ़िरल्हली वलिसमसलम واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته